नमस्कार दोस्तों, फिर से नया और एक वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। तो भाइयों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि तालाब कैसे रेडी करना है। अगर आप 4 महीने में 3 या 4 महीने में एक कालसार करना चाहते हो, एक फार्मिंग करना चाहते हो, यानी 3-4 महीने में आप जो 100 ग्राम का जो मछली होता है उसे आप 600 ग्राम या 500 ग्राम के ऊपर करना चाहते हो, तो कैसे आपको तालाब रेडी करना है और क्या क्या प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है, वो सभी स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही फिश फार्मिंग के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो देता रहता हूँ। भाइयों, हम लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर आप मछली हिसाब करके देंगे आपके तालाब में, तो क्या करना होगा, 3 से 4 महीने तक एक फार्मिंग करने के लिए आपको कुछ स्टेप यानी कुछ प्रोसेसिंग के हिसाब से आपको मछली छोड़ना पड़ता है आपके तालाब में, और उस हिसाब से मेंटेनेंस करना भी पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तालाब को, अगर आपका तालाब पुराना है, ठीक है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, ज़्यादातर तालाब पुराना होता है और वो नहीं सुखाता है। जो पुराना वाला पानी है उससे वो लोगों को 3 या 4 साल फार्मिंग करते हैं, तो उसके वजह से वो लोगों को क्या होता है, जो मछली का ग्रोथ होना चाहिए वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आपने आपके तालाब नया है तो कोई बात नहीं, उसके जो पाउडर चून होता है नीचे वाला हिस्से में पाउडर चून दे दीजिए। उसके बाद अगर आपका तालाब नया है, ठीक है, जो पानी दीजिए, पानी दे के फुल कर दीजिए, उसका पीएच टेस्ट कीजिए, और आपने अगर पीएच सही रहता है तो मछली छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है। सो अगर आपका तालाब पुराना है, उन लोगों को, उन फार्मर भाइयों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपके तालाब जो पुराना है उसका पानी, पुराना वाला पानी आप लोग फेंक दीजिए, अगर सुविधा रहता है, ठीक है, तो उनके उन हिसाब से आप पानी को फेंक दीजिए। पानी फेंक के कम साल में तो एक बार सुखाना ही है, ठीक है, 1 महीना या 1.5 महीना आपको तालाब को ऐसे ही सुखाइए, जैसे कि आप तालाब के ऊपर से पैदल जा सको, यानी आपका पैदल जाने से आपका जो पेड़ है मिट्टी में ना डाबे, ठीक ठीक है, ठीक उसी तरह आपको तालाब सुखाना है, ठीक है। उसके बाद आप तालाब के ऊपर क्या करना है, जो मिट्टी के ऊपर पाउडर चून होता है, ठीक है, वो चून पूरा तालाब में दे दीजिए, ठीक है। देने के बाद आप लोग एक काम कर सकते हो, पानी से फिल कर दीजिए, फिल करने के बाद पीएच टेस्ट करिए, पीएच यानी वो किट मिलता है, ठीक है, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन में आप लोगों को बहुत सारा किट मिल जाएगा पीएच टेस्ट करने का। सो वो किट आप लोग ले सकते हो ऑनलाइन से ऑर्डर करके, लेके आपका जो तालाब है साल भर आप यूज़ कर सकते हो इस किट को, ठीक है। तो पीएच अगर ठीक रहता है, 7 पॉइंट से ऊपर रहता है, ठीक है, 7 तो नॉर्मल होता है, अगर 8.2, 8.5, 7.9 ऐसा करके रहता है तो आप लोग सही है, मछली दे सकते हो तालाब में। सो आप लोग पीएच टेस्ट करिए, उसके बाद मछली दे दीजिए। देने के बाद हल्का सा जूस बनाना है आपको, जो ऑर्गेनिक जूस होता है, ठीक है, जो कुछ MOC यानी सोरिसर और उसके साथ राइस पुलिस और SSP भी यूज़ कर सकते हो, पार बीघा के हिसाब से 10 KC SSP यूज़ कर सकते हो, आप लोग आटा भी यूज़ कर सकते हो। सो सब कुछ मिला के उसके साथ ईस्ट पाउडर भी मिलाना है आपको, ठीक है, ईस्ट पाउडर के साथ मिक्स करके, सो 3 दिन आपको ऐसे ही रख देना है, ओपन करके मिक्स करके रख देना है। रखने के बाद उसे 3 दिन बाद पानी पानी करके, यानी आपका पूरा तालाब में स्प्रे करके दे सकते हो, तो आपका पानी भी ग्रीन हो जाएगा और जो मछली का नेचुरल जो खाना होता है वो भी ठीक रहेगा, जो पेल्टन का परिमाण जो रहता है वो भी ठीक रहेगा, तो आपका आपका तालाब का जो मछली होता है उसका ग्रोथ भी ठीक रहेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह आप फीड कोई भी यूज़ करो यार, फीड कोई भी फीड यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो नंबरिंग होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए, ठीक है, असली वाला ब्रांड होना चाहिए। आजकल तो मार्केट में बहुत सारा फीड निकल के आ गया है। सो आप लोग ऐसे करके करोगे तो आपका ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन आप लोग ऐसे मेंटेनेंस करके जाओगे। और फीड के बारे में मैं बता दूँ, फीड 2 टाइम देना है, पर क्विंटल के हिसाब से आप 3 KG फीड दे सकते हो। सो देने के बाद आप लोग 15 से 20 दिन यूज़ करो, ऐसे करके मेंटेनेंस करो, आपका मछली का रिजल्ट ही कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन का दबा देना और एक लाइक करना, ठीक है। तो क्या क्या होता है,
आगे वीडियो बनाने के लिए, बहुत इंस्पायर होता हो। सो आज के लिए इतना ही, तो बाय।